الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أحد له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد واجب الاحترام भाइयों, अजीज दोस्तों, साथियों, हम्दोसना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो हम सबका खालिक मालिक राज़िक है, जिसने हमारे ऊपर बेपनाह इनामात फरमाए हैं, और उसके बाद करोड़ हो दरूद व सलाम हो सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर, कि वो प्यारे पैगम्बर जिनकी तारीफ, जिनका तस्करा, जिनकी शान जितनी भी बयान की जाए कम है। जुमातुल मुबारक के इस मुबारक मौका पर मेरी तरफ से और आप सब की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर करोड़ हज़रत व सलाम। हजरात, इंसान दुनिया में इसलिए नहीं आया है कि वो इस दुनिया के अंदर खाए पिए, जवान हो, नौकरी करे, कारोबार करे और उसके बाद मर जाए। ये दुनिया, ये जिंदगी जो हमें दी गई है, बड़ी मामूली सी है, बड़ी थोड़ी सी है। मुझ समेत किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि कब उसकी आखिरत का वक्त आ गया। कितनी ही खबरें ऐसी हैं जिनको हम हर रोज सुनते हैं, ऐसी शख्सियात, ऐसे प्यारे जिनके बारे में कभी तसव्वुर नहीं हमने किया है कि वो हमसे जुदा होंगे, लेकिन आनन फानन टेलीफोन आता है कि फला फौत हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सर हिला के रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, अच्छा फला फौत हो गया है। और अजीजो, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे बारे में और आपके बारे में भी कहा जाएगा कि फलां जो है बड़ा अच्छा था, बहुत हो गया। आप सबका मालूम है, बड़ी से बड़ी उम्र हो किसी की 70 साल, 80 साल, 100 साल, उससे ज्यादा तो कोई नहीं जीता। और आखिरकार जो है वो भी बड़ा खुशकिस्मत है जिसको चार यार जो है वो चार पाई के ऊपर उठा के उसको कब्रिस्तान में ले दें, वहां उसकी नमाज जनाजा पढ़ा के उसको दफन करें। कितने ही ऐसे हैं जिनको यह भी मुयस्सर नहीं होता। अजीजों, ये जिंदगी
आखिरत की जिंदगी की तैयारी के लिए हमको दी गई है। अल्लाह और बुरे से अच्छा फरमाया कि वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें, और हमने एक ऐसी जिंदगी की अजीज और तैयारी करनी है कि वो जिंदगी जो बड़ी या तो सुख की जिंदगी होगी, चैन की होगी, आराम की होगी, मजे की जिंदगी होगी, या वो अजीज और ऐसी जिंदगी होगी जो मुसीबतों को होगी, परेशानियों को होगी, जिसकी हौलनाकियों के बारे में हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जिंदगी जो है अजीजो आखिरत की खेती है। आज जिस तरह हम मुझसे सुबह शाम मेहनत करते हैं, ड्यूटी का वक्त होता है भागते हैं, तैयारी करते हैं, एक मिनट भी हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपनी ड्यूटी पर लेट ना हो। अगर लेट हो गए हमारा बॉस हमारा मदीर नाराज हो जाएगा, और ये अच्छी बात है। हम क्यों आए हैं इस मुल्क के अंदर, मुझ समेत इसका जवाब बड़ा वादे है। हम अपनी मईशत को हम चाहते हैं कि हम खुशहाल हो जाएं, हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमारा घर बन जाए, और फिर हमारी ख्वाहिश ये होती है कि ये सूरज जिसकी अभी गर्मी शुरू होने वाली है, मार्च का महीना शुरू हो गया है, एक दो महीनों की बात नहीं चंद दिनों की बात है, पिछले हफ्ते कितनी सर्दी थी, आज हमें गर्मी महसूस हो रही है, और एक दिन वो आने वाला है अभी चंद हफ्तों के बाद कि चंद घंटों के लिए इस सूरज की गर्मी जो है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। और इस सूरज की गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा इहतमाम करते हैं। गरीब से गरीब आदमी हो तो वो भी क्या करता है, अपनी झोपड़ी बना लेता है, जरा सा अमीर है तो वो अपना घर बनाता है, उसके पास पैसे आए उसने बिजली के पंखे लगवा लिए, फिर वो कहता है कि नहीं बिजली के पंखों से बात नहीं चलती है, हमें एयर कूलर की जरूरत है। कहता है बरसात के मौसम में एयर कूलर भी काम नहीं करते हैं, वो एयर कंडीशन लगाता है। दुनिया की गर्मी जो है उसकी कैफियत क्या होती है कि 10-11 बजे गर्मी शुरू हो जाती है, 4-5 बजे जो है उसकी हिद्दत के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अजीजान मोहतरम उस गर्मी का भी जरा तसव्वुर करें जिसके बारे में सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ये सूरज जो आज हमसे हजारों नहीं लाखों मील के फासले पर है इतना करीब आ जाएगा एक बारिश के बराबर। और फिर उस वक्त कैफियत क्या होगी, कैफियत यह होगी कि लोग गर्मी की शिद्दत की वजह से उनको पसीना आया हुआ होगा अपने अपने अमाल के लिहाज से, किसी का पसीना उसके टखनों के ऊपर टखनों के बराबर, किसी का घुटनों के बराबर, किसी का कमर के बराबर, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने पसीने के अंदर डूबे हुए होंगे, और वो पसीना कुछ ठंडा पसीना नहीं होगा बल्कि खौल रहा होगा। लोग जो हैं वो शिद्दत प्यास की वजह से उनकी जबानें पार आई हुई होंगी। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो दिन ऐसा दिन होगा अजीजो जिस दिन किसी शख्स के जिस्म के ऊपर कोई लिबास नहीं होगा। अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल औरतें, फरमाया उनके जिस्म पर भी कोई कपड़ा नहीं होगा, मर्द और औरतें एक ही मैदान के अंदर रोजे माशर में सब के सब इकट्ठे होंगे। अल्लाह के रसूल क्या औरतें अलादा होगी मर्द अलादा होंगे, फरमाया नहीं इकट्ठे होंगे। अल्लाह के रसूल फिर तो औरतें हया से मर जाएंगी, मर्द उनकी तरफ देखेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा क्या बात करती हो, वो दिन इतना हौलनाक होगा किसी को किसी की तरफ देखने की जरूरत कहां होगी। और फिर सूरह हज की वो आयात जो मैंने आज आपके सामने तिलावत की है,
या अय्युहन नास तक्कू रब्बकुम इन ज़लज़लत अस-साअति शय्यिउन अज़ीम। ए लोगो अपने रब से डर जाओ, जो क्यामत का जलजला है बहुत ही अजीम चीज होगी। उस दिन की कैफियत क्या होगी? यौम तरौनहा तज़हुलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। उस दिन मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, हर दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। वताज़ा कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हमल वालियां अपने हमलों को गरा देंगी। वतरन्नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा, लोगों को देखेंगे मस्ती की हालत में है, होश हवास उड़े हुए हैं, शराब पी हुई है, भंग भी हुई है। फरमाया नहीं, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, रब का अज़ाब इतना सख्त होगा उसकी वजह से सब जो है हवास पाकता होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, उस दिन के लिए तैयारी कीजिए, उस दिन के लिए तो बंदोबस्त कीजिए। मुझ समेत हम में से हर शख्स की यह ख्वाहिश है उसका बैंक बैलेंस बड़ा हो जाए, उसके अंदर थोड़े से पैसे आ जाएं। वो चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं, इसीलिए तो हम इस मुल्क के अंदर आए हैं, हम अपने प्यारों को छोड़ के क्यों आए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपकी तवज्जो अपने समेत अपने आप से भी कहता हूं, आपसे भी जवाब कहता हूं, उस दिन के लिए तैयारी करें जिस दिन कोई साया नहीं होगा। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, आपने इरशाद फरमाया कि सबतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा, न शजर का, न हजर का, न किसी घर का साया, हर चीज जो है बिल्कुल चटियल होगी। उस दिन अजीज एक साया होगा, और वो साया कौन सा है? रहमान के अर्श का साया। लोग शिद्दत प्यास की वजह से प्यास लगी हुई है, और ये वो मुकाम है जो मेरे रात के पैगंबर सैयद अबुल आदम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होगा। आपको हादे कौसर अता किया जाएगा। हदीस पाक के अंदर आता है, हौज़े कौसर उसका पानी जिसको एक दफा नसीब हो गया, जन्नत में जाने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। आप घोरे पड़े हुए हैं, प्यास लगी हुई है, लोग हौज़े कौसर की तरफ जा रहे हैं, फरिश्ते रोक लेंगे, क्यों रोकते हो? घाट टिकट लेके आओ। कौन सा टिकट? कहा वो लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर नमाज अदा की, और नमाज पढ़ने से पहले वुजू किया। वुजू के वो मुकामात जहां पे वुजू किया जाता है, उनके हाथ, उनके चेहरे, उनके पांव चमक रहे होंगे। ये टिकट है, ये मोहम्मद रसूल अल्लाह के उम्मती हैं। और अजीजो यहां पर भी रुक जाए, हदीस पाक के अंदर आता है, वो लोग जो बिदात का इर्तिकाब करते हैं उनको भी रोक लिया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, फरिश्तों इनको क्यों रोक रहे हो? इनके चेहरे, इनके हाथ चमक रहे हैं। तो रसूल सल्लम को कहेंगे फरिश्ते, आपको नहीं पता है कि आपके बाद इन्होंने दीन के अंदर क्या क्या तब्दीलियां की है। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, सुहन सुहन लिमन गैर वादी, दूर हो जाए, हट जाए जिसने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, उस दिन के लिए तैयारी कीजिए कि जिस दिन यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन अगर साया होगा तो रब के अर्श का साया होगा, रब के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। और मेरे भाइयों, फिर वो कितना खुश नसीब होगा, उसकी खुशकिस्मती के क्या कहने। याद रखें, दो फरीक होंगे, दो ग्रोह होंगे। एक ग्रोह वो जो अपने रब को राजी करता है, और एक वो जो अपने रब को नाराज करता है। वो ग्रोह जो अपने अल्लाह को राजी करने वाला है, उसको नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। फअम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनिही फयकूलु हाम्मक्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिर राज़िया
फी जन्नत आलिया कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीयं बिमा असरफतुम फिल अय्याम खालिया। वो खुशकिस्मत जिसको अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा उसकी कैफियत बिल्कुल दुनिया में समझने के लिए, बच्चा पास होके आता है ना तो भागता हुआ आता है अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास, अम्मा जान मैं पास हो गया, वे देखो मेरा, ये देखो मेरा पर्चा, मैंने कितने अच्छे नंबर लिए हैं। क्यामत वाले दिन जिसको दाएं हाथ में, अल्लाह से दुआ करो मुझ समेत आप सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत दाएं हाथ में हमें नामा अमाल दे, वो भागता हुआ आएगा और लोगों से क्या कहेगा, अम्मा मन उतिया किताब में यमी नहीं फयकूल हा मकरो, ओ लोगो आओ मेरा अमाल नामा पढ़ो, ये देखो मैं पास हो गया हूं, कामयाब हो गया हूं। इन्नी धनन तो अन्नी बुला के हिसाब लिया, मुझ किस बात का यकीन था कि एक दिन मेरा हिसाब होने वाला है, फिर वो हमेशा हमेशा की जन्नत के अंदर मजे के अंदर, फी जन्नत आलिया उस जन्नत के अंदर जो बड़ी बुलंद बाला है, कुतूफुहा दानिया उसके मेवे और फल झुके होंगे, कुलू वशरबू हनीयन बिमा असलफतुम फिल अय्याम खालिया, उनसे कहा जाएगा मजे से खाओ और पियो उन अमाल के बदले में जो तुमने गुज़श्ता जमाने में किए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़े माशर के अंदर सारे लोग इकट्ठे, गर्मी की शिद्दत की वजह से परेशान, और फिर सात किस्म के ऐसे खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों को हुक्म देंगे कि जाओ मेरे फरिश्तों इन अरबों लोगों में से उनको चुन चुन के लेके आओ और उनको मेरे अर्श के नीचे कुर्सी दे। कितना खुशकिस्मत आदमी होगा वो कितने खुशकिस्मत लोग होंगे जिनको रब के फरिश्ते कहेंगे तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तेरे अंदर ये सिर्फ थी, तेरे अंदर ये सिर्फ। आइए हम उस हदीस को सुनते हैं और फिर मुझ समेत हम इस बात का जायजा लेते हैं, अपने आप से पूछते हैं मेरे अंदर ये सिर्फ पाई जाती है या मैं मेरा शमार उन सात किस्म के आदमियों में होगा या नहीं होगा। और फिर मैं ये बात कहूं पूरी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह के फजल करम से इस प्लेटफॉर्म से जो बात भी होती है ये होगी वो रब के फजल करम से मोतबर होती है, वो दुरुस्त होती है, सही होती है, उसके अंदर कीलो काल की बात नहीं होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहला खुशकिस्मत इमाम आदल, वो इमाम, वो हुक्मरान, वो जज, वो काजी जो दुनिया के अंदर लोगों के साथ फैसले दुरुस्त करता था। जब उसको जज बनाया गया, काजी बनाया गया, इमाम बनाया गया, उसको मुल्क का सरबराह बनाया गया, हाकम बनाया गया, उसने फैसले अपने अवाम के साथ, अपनी रईयत के साथ अदल व इंसाफ के मुताबिक किए, अदल के तराजू को, इंसाफ के तराजू को से नीचे गिरने नहीं दिया है। याद रखो अजीजो, इस्लाम वो मजहब है जिसने इस बात का एहतमाम किया कि ला यजरमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला ताजरू एदलू हो अकरब लित्तक्वा, देखो अगर दुश्मन भी आ जाए, तुम्हारा मुखालफ भी हो तो तुमने जब इंसाफ करना है तो अदर इंसाफ करना है, दुरुस्त बात कहनी है। ये नहीं है कि ये मेरे चचा का बेटा है इसलिए इसके हक में फैसला कर दूं, ये मेरे मुखालफ ग्रुप का आदमी है इसकी बात को नहीं माना जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को, और आप जानते हैं फारूक आजम रजी अल्लाह ताला, मैं कई दफा सोचता हूं इमाम आदल की सिफात को अगर देखा जाए, खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मिसाल दुनिया के अंदर कायम करके दिखाई है। इंसाफ इसको कहा जाता है, अदल इसको कहा जाता है। अपने घर की बात आई है तो भी इंसाफ किया है, दुश्मन की बात आई है तो भी इंसाफ किया है,
और सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले कौन? सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। बनू मखज़ूम कुरैश का बड़ा खानदान, अबू जहल इसी खानदान से था, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी खानदान के फर्ज़ंद थे। मक्के के अंदर बड़े खानदानों में से जिसका मशहूर खानदान, अमीर खानदान, जिसकी बात को माना जाता था, इस खानदान की एक खातून जिसका नाम फातिमा था, उसने चोरी कर ली। नबी अलैहिस्सलाम की अदालत में मुकदमा लाया गया, अल्लाह के रसूल बनी मखज़ूम खानदान की खातून ने चोरी की है, मुकदमा आया और फिर मुकदमा साबित हो गया। अर्शाद फरमाया कि इसका हाथ काट। और बाज़ो अजीजों, जो आज के दौर में होता है उस दौर में भी थोड़ी सी बात चली, लोगों ने कहा इतने बड़े खानदान की औरत, इसका अगर हाथ कट गया तो हमारा नाक कट जाएगा, खानदान की इज्जत खाक पे मिल जाएगी, सारे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि देखो तुम्हारे खानदान की औरत ने चोरी की है। फिर सिफारिश तलाश कीजिए, कौन सिफारिश करेगा? सिफारिश ही करिए। उसको तलाश किया गया अबीदो, जिसको नबी अलैहिस्सलाम इस तरह मोहब्बत करते थे जिस तरह अपने पोते के साथ मोहब्बत की जाती है। इसका नाम उसामा बिन जैद है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको मालूम होगा कि हजरत जैद है रसूल सल्लम के गुलाम थे, उनको आलाद कर दिया आपने, उनको लकारक अपना बेटा बना दिया, एक मुद्दत तक उनको जैद इब्ने मोहम्मद कहा जाता था। उनके ये बेटे उसामा अल्लाह के रसूल को बड़े ही प्यारे थे। नबी अलैहिस्सलाम अपनी एक जब बैठ जाते, एक तरफ उसामा को बिठाते और एक तरफ हजरत हसन इब्ने अबी तालिब अपनी अपने नवासे हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बिठाते, दोनों से प्यार किया करते थे। इख्तसार करते हुए, उसामा ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ सिफारिश कर दी, अल्लाह के रसूल बड़े खानदान की औरत है, इसको माफ कर दिया जाए। नबी अलैहिस्सलाम जो मोहब्बत करने वाले हैं, उसामा के साथ प्यार करने वाले हैं, आपका चेहरा सुर्ख हो गया, मिंबर बुलाया, मंगवाया, मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा हुए और आपने अपना तारीखी खुद पारशाह फरमाया, जिसके अंदर अजीजों इस माशरे को साफ करने के लिए एक बड़ा वादे दस्तूर दिया। और वो दस्तूर क्या था? आपने फरमाया कि सुनो, तुमसे पहले उम्मतें इसलिए हलाक हो गई, बर्बाद हो गई कि उनमें से अगर कोई गरीब शख्स चोरी करता था तो उसका हाथ काट दिया जाता था, और अगर कोई अमीर आदमी, बड़ा आदमी चोरी करता था उसको छोड़ दिया जाता था। आज की हालत यही है। और नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया था, आपने फरमाया कि लो इन फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतात यदह, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। इसका नाम है अदल, इसका नाम है इंसाफ। अजीजों कहां से लाए? लेकिन दुनिया के अंदर ऐसी शख्सियात मौजूद है फारूक आलम की सूरत के अंदर जिन्होंने हर लिहाज से अदल इंसाफ कायम किया। वाकयात से तारीख भरी पड़ी है। अजीजों जब हम उन वाकयात को पढ़ते हैं तो हमारा सर फसर से बंद हो जाता है। हम ये कहते हैं इंसाफ इसको कहते हैं, अदब इसको कहा जाता है। कितने ही वाकयात हैं इस हवाले से जिनको मैं कहा करता हूं कि ये हमारे वो सुनहरी अय्याम हैं, जिन अय्याम के अंदर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो फैसले करते हैं। अल्लाह अकबर। आज़रबाईजान आपको पता है रूस का इलाका है। मुसलमानों, हमारी हुकूमत थोड़ी सी हुकूमत नहीं थी, आज़रबाईजान तक मुसलमानों ने सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फतूहात हासिल की है। वहां का गवर्नर उत्बा बिन फरकत, वो जब वहां पे पहुंचा तो उसको वहां के लोगों ने सौगात पेश की अपने इलाके में,
एक डिश लेके आई, खजूर और घी से बना हुआ हलवा पेश किया गया उनकी खिदमत में, बड़ा मजा आया। दिल में ख्याल पैदा हुआ, कहने लगे कि कहीं ऐसा होना चाहिए कि हजरत उमर फारूक, उनको मैं तोहफा भेजूं, बड़ा मजेदार है। उन्होंने उसके दो टोकरे बनाए, दो आदमियों को कहा कि जाओ मदीना तैयबा इनको बचा के आओ। आज़रबैजान से हलवा आता है किसके पास? उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास। और हजरत उमर फारूक अजीजो, उन्होंने उस हलवे को चखा, बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मजेदार है। साथ ही पूछने लगे उन जो लेके आए थे ना, उनसे पूछने लगे ये बताओ कि ये हलवा जो है सारे लोग यही हलवा खाते हैं वहां पे? उन्होंने कहा हजरत ये तो बड़े लोगों की डिश है, आम आदमी तो इसको नहीं खा सकता है। कहने लगे जाओ फिर इसको वापस ले जाओ। खत लिखा गवर्नर आज़रबैजान के नाम और उसके अंदर लिखा फइन्नहु लैसा मिन कद्द अबीका वला मिन कद्द उम्मिका। सुनो ये जो तुमने हलवा मुझको भेजा है ये ना तुम्हारे बाप की कमाई का है ना तुम्हारी मां की कमाई का है। और फिर कहा अशबल मुस्लिमीन मिम्मा तस्बहु फी रजस, फरमाया कि तुम्हें ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जिसे आमतुन्नास जो है वो इस्तेमाल करते हो। अजीजो हमारे जो अकाबरीन थे, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने तो खाने के अंदर भी इस हद तक एहतियात की, गरीब और अमीर के इम्तियाज को खत्म कर दिया। अदल इंसाफ के कितने ही ऐसे वाकयात हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आइंदा जुमे के अंदर उनको हम कोशिश करेंगे कि समेटे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं ऐ अल्लाह अपने फजल करम से हमें उन लोगों में से बनाना क्यामत वाले दिन जिनके बारे में ये आवाज आए कि ये लोग वो लोग हैं जिनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए और उन्हीं लोगों में से करे। व आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। हजरात अदल इंसाफ के हवाले से हम बात कर रहे थे सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपको याद होगा कि पिछले जुमे में मैंने सफवान बिन उमैया के बारे में कुछ गुजारिशात अर्ज की थी। ये सफवान बड़ा आदमी था, अमीर आदमी था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब वो हज करने के लिए आते हैं हजरत उमर, उसने उनकी ज़ियाफ़त की और ज़ियाफ़त के अंदर क्या किया, उसने एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर खाना तैयार किया और यह बर्तन इतना बड़ा बर्तन था कि इसको चार आदमी चार गुलामों ने उठा के उनकी खिदमत में पेश किया। अब जब वो चार आदमी चार गुलाम उस बड़े से बर्तन को लेके आए, उन्होंने खाने को रखा, अब लोग इंतजार में थे कि सफवान ने आज दावत की है और उसके अंदर हजरत उमर फारूक भी शामिल है। अल्लाह हजरत उमर फारूक ने देखा कि वो गुलाम उस बर्तन को रख के खिसक रहे हैं, जा रहे हैं। आप उनसे कहा रुक जाओ, कहां जाते हो?
चलो हमारे साथ खाना खाओ। कहने लगे हजरत हम थोड़ी देर के लिए हम जा रहे हैं, आप पहले खाना खा लें, हम बाद में खाना खाएंगे। हाय, इसको कहते हैं अदल, इसको कहते हैं इंसाफ। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया लोगों तुम अभी तक तबकात के अंदर बटे हुए हो, ये बड़ा है ये छोटा है, ये अमीर है ये गरीब है। इस्लाम ने इस तबकाती कश्मकश को खत्म करके रख दिया। कहा, हुक्म दिया, बैठ जाओ और हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। अजीजों, कभी हमने आज के हुक्मरानों को देखा है? जरा सा बड़े आदमी हो जाए, अपने गुलामों को, अपने नौकरों को अपने साथ खाना खिलाता है? ये है वो अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला हुक्मरान, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबतन युदिल्लाहुल्लाहु यौमन ला इल्ला इल्ला दिल्लहु। और उसके अंदर सबसे पहली शख्सियत है वो इमाम आदल की है। इंशाल्लाह बाकी छह के बारे में अल्लाह के फजल व करम से आइंदा जुमे के अंदर बयान करेंगे। اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم نور قلوبنا بنور الايمان। हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद शीरी, उनके शीरी के वालिद साहब और मामू साहब दोनों वफात पा चुके हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब साथी उनके लिए दुआ फरमाएं कि ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से उनकी भी मकसद फरमा। ए मौला करीम, जितने भी फौज शुदगान हैं सब की मकसद फरमा। ए मौला करीम, अपनी रहमत से, फजल करम से रहमत की बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह हमें से जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्ना। अल्लाहुम्मा ला तदालना फी मुकामिना हाजा ज़म्बन इल्ला गफरतहु वला हम्मन इल्ला फरजतहु वला कुर्बन इल्ला नफ़रतहु ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا عدوا الا خذلته ولا تائبا الا قبلته ولا جاهلا الا علمته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا ولدا الا اصلحته ولا جاهلا الا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون।